हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से संबंध बनाने के बारे में बात करूंगी। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको संबंध कैसे बनाने चाहिए, कब बनाने चाहिए, कब अवॉइड करने चाहिए। आपको भी पता है दोस्तों कि जरा सी लापरवाही हमें परेशानी में डाल देती है। हम ऐसा कोई काम क्यों करें हमें परेशानी हो, तो आइए जानते हैं प्रेगनेंसी में संबंध कब बनाना सुरक्षित है, कैसे बनाना सुरक्षित है और कब अवॉइड करने। सब कुछ अगर ठीक ठाक हो, अगर महिला कंफर्टेबल है, तो यह दूसरे तिमाही में सुरक्षित होता है। पर प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस है, कोई दिक्कत है, बड़े मुश्किल से आपकी प्रेगनेंसी हुई है, तो अवॉइड करनी चाहिए दोस्तों। प्रेगनेंसी के शुरू के 3 महीनों के बाद 7वें या 8वें महीने तक संबंध बनाया जा सकता है दोस्तों। यानी कि 1 से 3 महीनों के बीच संबंध आपको नहीं बनाने चाहिए और 7वें, 8वें, 9वें महीने में संबंध नहीं बनाने चाहिए। क्योंकि 1 से 3 महीनों तक अगर आप संबंध बनाती हैं, हो सकता है गर्भ के साथ परेशानी हो जाए। आप समझ गई मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। और 7वें महीने के बाद अगर आप संबंध बनाती हैं, तो बेबी के जन्म होने का खतरा समय से पहले हो जाएगा, जो आपके लिए मुश्किल भरा हो सकता है दोस्तों। वैसे तो डॉक्टर्स कहते हैं कि प्रेगनेंसी में किसी भी स्टेज पर सेक्स करने से कोई खतरा नहीं होता, पर कुछ बातों का पालन करके आप संबंध बना सकती हैं, जिससे कि गर्भस्थ शिशु को कोई नुकसान नहीं हो। दोस्तों, अगर कभी कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा लगे आपको, स्पॉटिंग हो जाए, ब्लीडिंग हो जाए, ज्यादा सफेद पानी चले, तो ऐसे समय में भी आपको संबंध बनाने से बचने चाहिए। फिर कैसे बनाए संबंध? संबंध जब भी बनाए वो पोजीशन सेफ होनी चाहिए, पेट पर दबाव नहीं पड़े, इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों। आप ऐसे पोजीशन में संबंध बनाए जिससे आपके शरीर पर ज्यादा दबाव नहीं पड़े। तो आपको खुद डिसाइड करनी है कि पेट पे दबाव नहीं पड़ने हैं, ज्यादा आपके शरीर पे दबाव नहीं पड़ने हैं। क्योंकि पेट पे दबाव पड़ेगा तो गर्भ में पल रहा शिशु असुरक्षित महसूस करेगा। जल्दीबाजी भी नहीं करने हैं दोस्तों। अगर आप जल्दीबाजी करेंगी तो अंदर चोट लग सकता है, प्लेसेंटा गर्भाशय में दिक्कत आ सकती है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। रिलेशनशिप का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आप स्ट्रांग रहती हैं। आप पति पत्नी वो काम करें जिससे आपके रिलेशन मजबूत हो। पति को चाहिए क्या करने से आपके पत्नी को दिक्कत हो सकती है, इस समय आपको सपोर्ट करना चाहिए। आने वाला समय आपका है दोस्तों, तो सपोर्ट की जरूरत है, प्यार की जरूरत है, केयर की जरूरत है। आप पार्टनर के साथ घूमने जाएं, आप पार्टनर को घुमाने जाएं, डॉक्टर के पास लेके जाएं, आप झगड़ा नहीं करें, अकेला महसूस ना करवाएं और जबरदस्ती नहीं करें। मैं तो यही कहूंगी दोस्तों, मिलकर रहें। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज बताएं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।